फाइनली तो आज अपने पास है दो ट्रेंडिंग स्मार्टफोन। सबसे पहला फोन है भाई मोटो का मोटो एज 50 फ्यूजन और दूसरा फोन है भाई हमारे पास रियलमी का रियलमी नार्जो 70 टर्बो। और इस टाइम पर दोनों फोन भाई काफी ज्यादा हाइप के ऊपर हैं। बाकी दोनों फोन की जो प्राइसिंग है उनमें आपको 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। बट फिर भी मैं कंपेरिजन बना रहा हूँ क्योंकि भाई दोनों फोन इस टाइम पर काफी ट्रेंडिंग में है और भाई सब लोगों का बजट एक जैसा नहीं होता। किसी का बजट कम होता है तो किसी का बजट ज्यादा। अगर आप लोग इन दोनों फोन में कंफ्यूज हो कि भाई इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन किस मामले में बेस्ट है, जहां पर रियलमी बेस्ट होगा रियलमी को बेस्ट बताएंगे, जहां पर मोटो बेस्ट होगा वहां पर मोटो को बेस्ट बताएंगे, तो सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा। कंफ्यूज हो कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन लें, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहना, आपके जो डाउट्स वगैरह हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल के ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं तो देखो दोनों फोन देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं और रियली भाई दोनों फोन का डिजाइन बहुत ही प्रीमियम है, देखने में अच्छे लगते हैं। रियलमी आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग के साथ मिलता है, मैट फिनिश के अंदर आता है, तो इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह स्क्रैचेस वगैरह वो नहीं आते और डिजाइन आपके सामने पूरा मोटर स्पोर्ट का जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिलता है। वहीं मोटो आप लोगों को वीगन लेदर के साथ देखने को मिलता है। इन हैंड फील इसका भी अच्छा है लेकिन मुझे पर्सनली मैट फिनिश ज्यादा पसंद है वीगन लेदर से, तो यहां पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो रियलमी के साथ अच्छा रहा। और दोनों फोन बहुत हल्के भी हैं। रियलमी का वेट आप लोगों को 186 ग्राम देखने को मिलता है, मोटो का वेट आप लोगों को 179 ग्राम। वेट के साथ साथ दोनों फोन बहुत पतले भी हैं। मोटो का जो आप लोगों को थिकनेस है 7.7 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, रियलमी आप लोगों को 7.9 mm की थिकनेस के साथ, रियलमी आपको बॉक्सी डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। तो इन हैंड फील फोन का काफी अच्छा है, ग्रिप काफी अच्छा बन जाता है, बिना कवर के आप लोग फोन को यूज कर सकते हो, फोन बिल्कुल भी स्लिपी नहीं है। वहीं मोटो का जो फोन है ये आप लोगों को कर्व एजेस के साथ देखने को मिलता है, तो इससे ग्रिप हाथ में उतना अच्छा नहीं बन जाता, बिना कवर के आप लोग फोन को यूज नहीं कर सकते, फोन बहुत ही स्लिपरी है और इसमें कर्व स्क्रीन है तो अगर फोन नीचे गिर भी गया तो ये टूट भी सकता है। तो यहां पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मुझे जो डिजाइन है रियलमी का सबसे बेटर लगा। कलर्स वगैरह भी यहां पर रियलमी का काफी अच्छा है। बाकी इन हैंड फील मुझे ये रियलमी का पसंद आता है। बाकी अगर आप लोगों को वीगन लेदर पसंद तो आप लोग यहां पर मोटो ले सकते हो, लेकिन दोनों की चॉइस है आपकी अपनी होगी। दोनों ही फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है लेकिन मोटो में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। और सिम स्लॉट की बात करें तो मोटो में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलते हैं, आप लोग 2 नैनो सिम लगा सकते हो, और रियलमी में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलते हैं, आप लोग 2 सिम लगा लो या 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और रियलमी नार्जो 70 टर्बो में आप लोगों को हेडफोन जैक का गड्ढा भी देखने को मिलता है, तो गेमिंग टाइप अगर आपने वायर्ड हेडफोन यूज करें तो इस फोन में आप लोग कर सकते हो, जबकि मोटो में अगर यूज करने तो आप लोगों को जो कनेक्टर है वो खरीदना पड़ेगा। दोनों फोन की साउंड चेक करते हैं कि भाई कैसी आती है। सबसे पहले मोटो की चेक करते हैं। देखो भाई लाउडनेस काफी अच्छी है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के हिसाब से और जो साउंड है क्रिस्टल क्लियर आती है। डॉल्बी एटमॉस है तो लाउडनेस के साथ साथ जो बेस वगैरह है वो भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रियलमी की चेक करते हैं कि साउंड कैसी है। देखो भाई रियलमी की साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लाउडनेस भी काफी अच्छी है, साउंड क्रिस्टल क्लियर आती है, लेकिन इसमें जो बेस है वो थोड़ा सा कम है। मोटो के अंदर आपको बेस थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, बाकी साउंड एक्सपीरियंस दोनों फोन का सिमिलर है। हैप्टिक दोनों फोन के डिसेंट है, वाइब्रेशन फीडबैक आपको अच्छा दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन यूआई के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है हैप्टिक वगैरह की वो रियलमी यूआई में अच्छी है मोटो के मुकाबले। दोनों ही फोन में 5000 एमएएच की बैटरी है, मोटो में आपको 68 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है और फोन को पूरा फुल चार्ज होने में आपके 70 से 80 मिनट लगते हैं। वहीं Realme Narzo 70 Turbo में आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो यहां पर फोन को पूरा फुल चार्ज होने में आपके 80 मिनट का जो टाइम है वो अप्रोक्स लग जाता है। बाकी बैटरी बैकअप दोनों ही फोन में आपको एक दिन का आराम से मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 को सपोर्ट करते हैं। मोटो में आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, Realme में आपको IP65 की, और दोनों ही फोन में आपको 9 5G के बैंड मिलते हैं। 5G टकाटक चलता है, 4G प्लस कैरियर एरिएशन को दोनों फोन सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर आईपी रेटिंग आपको मोटो की बढ़िया मिलती है। डिस्प्ले की बात करें जिसके बारे में आप सबने पूछा था कि भाई कौन से फोन की डिस्प्ले बेस्ट है, तो देखो रियलमी में आपको 6.7 इंच की फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ये एक फ्लैट डिस्प्ले है। वहीं मोटो में आप लोगों को 6.7 इंच की कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ये ओएलईडी पैनल के साथ आती है और इसमें आप लोगों को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। वहीं रियलमी में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब देखो गेमिंग के लिए अगर आप लोगों को फोन लेना है डिस्प्ले
डिस्प्ले बढ़िया चाहिए तो गेमिंग के लिए मैं आप लोगों को हमेशा जो सुजेस्ट है वो फ्लैट डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को जो टच रिस्पॉन्स है बढ़िया देखने को मिलता है, मिस्ट का कोई इशू देखने को नहीं मिलता। वहीं मोटो में आप लोगों को कर्व स्क्रीन मिलती है तो गेमिंग वगैरह में आप लोगों को दिक्कत हल्की सी हो जाएगी, मिस्ट थोड़े ज्यादा होते हैं और कर्व स्क्रीन है, अगर नीचे गिर गई और टूट गई तो भाई मोटा खर्चा लगेगा, जबकि फ्लैट डिस्प्ले के जो आप लोगों को चार्जेस हैं टूट के बनवाने के वो थोड़े कम है। बाकी देखो मोटो में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, रियलमी में आप लोगों को एजी ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो प्रोटेक्शन दोनों फोन में अच्छी है, लेकिन कवर लगा करके अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगा करके दोनों फोन को यूज करना। बाकी दोनों ही फोन में आप लोगों को वाइड 1L1 का सपोर्ट मिल जाता है, अमेजॉन नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कॉन्टेंट है आप लोग HD में स्ट्रीम कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आप लोग 4K में दोनों फोन में कॉन्टेंट देख पाओगे और HDR10 को दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं, तो अच्छी बात है कि भाई जो क्वालिटी आप लोगों को डिस्प्ले की तगड़ी देखने को मिली। कॉन्टेंट वॉच में दोनों फोन आप लोगों को काफी तगड़े देखने को मिल जाते हैं, कॉन्टेंट वॉच में दोनों फोन की डिस्प्ले बढ़िया है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग मूवी वगैरह वॉच करते हो, वेब सीरीज देखते हो तो एक्सपीरियंस आपको काफी सही मिलेगा। दोनों ही फोन में आप लोगों को ड्यूल स्पीकर भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों का जो विंग एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ आपका ऑडियो एक्सपीरियंस है वो भी सही रहेगा। बाकी दोनों ही फोन के जो डिस्प्ले की चिन्ह और बेजल्स हैं आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं, आपके विंग एक्सपीरियंस को खराब नहीं करेंगे, तगड़ा विंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। रियलमी में आप लोगों को 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर आउटडोर में आपको कोई ऐसी ब्राइटनेस की दिक्कत नहीं होगी। वहीं मोटो में आप लोगों को 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो यहां पर जो रियलमी की ब्राइटनेस ज्यादा है और जो आप लोगों को डिस्प्ले एक्सपीरियंस है दोनों फोन का बढ़िया देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मोटो की 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है तो इसमें आप लोगों को ब्राइटनेस कम मिलेगी, अच्छी ब्राइट डिस्प्ले मोटो की भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जितना मैंने दोनों फोन को यूज किया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर और आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि भाई दोनों फोन में से कौन से फोन की डिस्प्ले बेस्ट है, अब देखो दोनों फोन के डिस्प्ले कुछ कुछ मामलों में अच्छे हैं, कुछ कुछ मामलों में कौन से फोन की डिस्प्ले अच्छी है, तो देखो अगर गेमिंग के लिए डिस्प्ले लेनी है, अच्छा फोन चाहिए डिस्प्ले वाला, तो आप लोग रियलमी नार्जो 7 टर्बो ले सकते हो, और कॉन्टेंट वॉच आपने देखना है बढ़िया तरीके से कर्व स्क्रीन से आप लोगों को प्रीमियम फील भी चाहिए तो आप लोग मोटो का फोन ले सकते हो। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो बढ़िया काम करता है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर टेस्ट किया तो स्पीड वगैरह दोनों ही काफी फास्ट है, अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, और जो पोजिशन है फिंगरप्रिंट स्कैनर की दोनों फोन की अच्छी जगह है, एकदम से दोनों फोन अनलॉक हो जाते हैं। बाकी रियलमी नार्जो 70 टर्बो में आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर ही जो हर्ट रेट मेजरमेंट का सेंसर है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग हर्ट रेट जो उसको चेक कर सकते हो, लेकिन मोटो में ऐसा कोई सेंसर नहीं है, तो यहां पर भी रियलमी अच्छा है। अब दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसके लिए आप सब लोग रुके हो, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मोटो में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 का 5G प्रोसेसर मिलता है, Realme में आपको MediaTek का Dimensity 7300 का, दोनों प्रोसेसर आपको 4nm के ऊपर बेस देखने को मिलते हैं, तो काफी बैटरी एफिशिएंट भी है। AnTuTu स्कोर का टेस्ट किया तो Realme का AnTuTu स्कोर आपको भाई 7.5 लाख के स्कोर निकाल करके दे देता है, एंड जो मोटो के स्कोर है वो आप लोगों को 5 लाख के आसपास देखने को मिलते हैं। स्टोरेज टेस्ट किया तो वहां पर Realme के स्कोर भाई आपको 1 लाख से ऊपर मिलते हैं, जबकि जो मोटो के स्कोर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है। मोटो में आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X की रैम मिल जाती है, वहीं Realme में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X की रैम देखने को मिल जाती है, तो रीड और राइट स्पीड जो है वो आपको Realme की बेटर देखने को मिलेगी। और दोनों फोन में मैंने गेमिंग वगैरह का भी टेस्ट किया तो Realme में आप लोग 90 FPS तक जो BGMI वो प्ले कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स जो 90 FPS ग्राफिक्स है आपको अनलॉक मिलते हैं, मोटो में आप लोग 60 FPS का गेम प्ले कर पाओगे। नेक्स्ट इन दोनों फोन की हीटिंग की बात करें तो दोनों फोन ज्यादा हीट नहीं करते, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम दोनों फोन में नहीं है। दोनों फोन में CPU थ्रॉटलिंग का टेस्ट किया तो मोटो का स्कोर आप लोगों को 81% की जो मैक्स परफॉर्मेंस है वो निकाल करके देते हैं, Realme में आपको 73% की जो मैक्स परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलती है। दोनों के ग्राफ बिल्कुल ग्रीन है, रेड ग्राफ नहीं है, तो परफॉर्मेंस दोनों फोन में बढ़िया है और हीटिंग वगैरह की कोई ओवर हीटिंग की जो दिक्कत प्रॉब्लम है दोनों फोन में नहीं है। डे टू डे लाइफ में दोनों फोन अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग भी करनी है लॉन्ग टाइम के लिए तो वहां पर आप लोगों को Realme बेटर देखने को मिलता है। रियल प्रैक्टिकल लाइफ में किसकी स्पीड ज्यादा है तो आगे मैंने इन दोनों फोन का स्पीड टेस्ट किया है, वो आप लोग चेक कर लेना कि भाई आपको पता चल जाएगा कि भाई रियल प्रैक्टिकल लाइफ में मोटो की स्पीड ज्यादा है या रियलमी की स्पीड ज्यादा है। सारी एप्स वगैरह आपको ओपन करके बताई हैं, किसमें ऐप ओपन फास्ट होती है, गेमिंग वगैरह आप लोग किसमें बढ़िया कर सकते हो, सब कुछ बताया है, तो वो चेक कर लो। अब दोनों फोन का स्पीड टेस्ट करते हैं, राइट साइड में मोटो का फोन है और लेफ्ट साइड में रियलमी का। देख लो दोनों फोन का रिजल्ट का सेक्शन बिल्कुल क्लीन है, दोनों फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है तो कोई ऐसा आप लोगों को दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले BGMI को ऑन करते हैं और देखते हैं कौन से फोन में BGMI सबसे पहले ऑन होता है। लेट्स सी 1 2 3। तो
भाई यहाँ पर बीजमाई जो है मोटो ने पहले ओपन किया, 2 सेकंड के बाद रियलमी के अंदर भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो सब्बे सफर गेम है उसको ऑन करके देखते हैं किस फोन में सबसे पहले ऑन होती है। लेट्स सी 1 2 3। भाई सब्बे सफर भी यहाँ पर मोटो के अंदर पहले ऑन हो गई है। अब यहाँ पर अंतुदु की ऐप ऑन करते हैं। लेट्स सी 1 2 3। भाई अंतुदु की एप्लीकेशन मोटो के अंदर पहले ऑन हुई लेकिन उसके 1 सेकंड के बाद रियलमी के अंदर भी ऑन हो गई। अब अमेजोन करते हैं। लेट्स सी 1 2 3। दोनों फोन के अंदर सेम टाइम के ऊपर ओपन हुई तो कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ फ्लिपकार्ट ऑन करते हैं। 1 2 3। दोनों फोन के अंदर सेम टाइम के ऊपर ओपन हुई। बाकी जितना स्पीड टेस्ट मैंने किया और रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो वहां पर स्पीड जो है मुझे दोनों फोन की सेम एवरेज देखने को मिली। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। मोटो में आपको मोटो का अपना यूआई हेलो यूआई मिलता है। रियलमी में आपको अपना रियलमी यूआई 5.0 मिलता है। दोनों में आपको फीचर वगैरह सारे देखने को मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन के फीचर भर के देखने को मिल जाते हैं। हाँ, रियलमी के अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर में जो अनवांटेड एप्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगा करके इन सबको क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जो बढ़िया एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में वो रियलमी में देखने को मिल जाता है। मोटो का जो यूआई है वो आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, उसमें कोई एड्स वगैरह अनवांटेड एप्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते। मोटो में 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट। रियलमी में आपको 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट। लेकिन भाई मोटो के सॉफ्टवेयर अपडेट यहां पर ज्यादा हैं, लेकिन मोटो के जो अपडेट्स हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कब आए कब ना आए। और इसके जो सॉफ्टवेयर उसमें दिक्कत भी काफी ज्यादा है, आप लोग ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिल जाता है, मदरबोर्ड डेड हो जाता है। लेकिन रियलमी का सॉफ्टवेयर सपोर्ट बढ़िया है, टाइमली आपको अपडेट मिल जाते हैं और कोई ऐसी बग वगैरह कोई दिक्कत जो है वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर में नहीं होगी जिसके लिए आपका बाद में पैसा लग जाए। तो यहां पर मोटो के तो अपडेट ज्यादा है लेकिन जो आप लोगों को अश्योरेंस है वो रियलमी में बढ़िया मिलेगी। नेक्स्ट अब दोनों फोन के कैमरास की बात करते हैं तो मोटो के बैक साइड में आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलेगा, जहां पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी के LYT 700C सेंसर के साथ आता है, OIS का सपोर्ट है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। वहीं रियलमी में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है ओमनीविजन सेंसर के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 60 मेगापिक्सल की सेल्फी। बाकी दोनों फोन से बैक कैमरा में आप लोग 4K 30fps में वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो में आप लोग फ्रंट कैमरा से भी 4K में जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी ये रहे कुछ कैमरा सैंपल जो नाइट शॉट मैंने इन दोनों फोन के बैक कैमरा से क्लिक किया। नाइट फोटोग्राफी जो है वो मुझे मोटो की बेटर लगी रियलमी के मुकाबले। बाकी कुछ कैमरा सैंपल जो मैंने यहां पर इन दोनों फोन के बैक कैमरा से फोटो मोड पोर्ट्रेट मोड के अंदर क्लिक किया, कलर्स वगैरह दोनों के अंदर अच्छे आते हैं लेकिन जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी मोटो की ज्यादा बेटर लगी। इसमें जो आप लोगों को कलर्स है बूस्टेड देखने को मिलते हैं तो फोटो जो है वो आपको थोड़ा एडिट नहीं करना पड़ेगा, बिना एडिट के उसको आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हो। रियलमी के फोन में जो फोटो क्लिक आते हैं वो आप लोगों को नेचुरल देखने को मिलते हैं, तो हल्का सा आप लोगों को जो कलर्स का तड़का है वो लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के फोटो जो है आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करोगे तो तगड़ा फोटो लगेगा। मोटो में आपको पोर्ट्रेट मोड में 2x का जूम देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग बढ़िया सिनेमैटिक जो फोटोज वगैरह है बोके इफेक्ट वाली वो क्लिक कर सकते हो। लेकिन Realme पता नहीं क्यों यहां पर नहीं दिया Realme को 2x जो है पोर्ट्रेट मोड के अंदर ऐड करना चाहिए। बाकी जो शार्पनेस है दोनों फोन के काफी अच्छी आप लोगों को फोटोज के अंदर देखने को मिले, कलर्स वगैरह काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। मोटो थोड़ा कलर्स का तड़का लगा देता है, Realme आप लोगों को कलर्स नेचुरल देखने को मिलते हैं, लेकिन हां पोर्ट्रेट मोड के अंदर कोई फोटो अगर आप लोग 2x के ऊपर क्लिक करोगे तो सिनेमैटिक फील आता है जो वहां ही देखने में थोड़ा बढ़िया लगता है। बाकी Realme सॉफ्टवेयर से वो चीज ऐड कर देगा फ्यूचर में, वो दिक्कत आप मत लो। बाकी शार्पनेस भी दोनों फोन के जो फोटोज वगैरह आते हैं उनमें आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कैमरा भाई प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों फोन का भाई बढ़िया। बाकी फ्रंट कैमरा क्वालिटी भी दोनों फोन की बढ़िया है, लेकिन 4K क्वालिटी मोटो में आपको देखने को मिलती है, रियलमी में नहीं है। तो ये था दोनों ही फोन का साइड बाय साइड कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट। अब इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, देखो दोनों ही फोन जो है अलग-अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं और आपको अपनी नीड के हिसाब से जो फोन है वो चूज करना पड़ेगा। जिसको भाई बढ़िया गेमिंग करनी है, BGMI 90fps के ऊपर खेलनी है, डिजाइन बढ़िया चाहिए, वो रियलमी की तरफ जा सकता है। जिसको वीगे लेदर चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, वो मोटो की तरफ जा सकता है। लेकिन भाई अगर आप लोगों को BGMI गेमिंग तगड़ी करनी है ना तो रियलमी आपके लिए बेटर है। बाकी अगर आप लोगों को कैमरा हल्का सा थोड़ा बूस्टेड कलर वाला चाहिए तो मोटो आप लोग वहां पर ले सकते हो। बाकी दोनों ही फोन अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं, दोनों फोन की जो प्राइसिंग में आपको 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी ये था भाई दोनों फोन का कंपैरिजन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और इन दोनों फोन में से आप लोग कौन सा फोन बाय करने वाले या कौन सा फोन आपने बाय कर लिया वो कमेंट से बता दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।